Members of the media, we are ready for Q&A, but before that, I have a question for Mr. Khan, if that's okay. Mr. Khan, you're known to be a marketing genius and we've we been seeing snippets of this movie through the previews. So, what is this about? What strategy is this? Because even this is a very cru crucial snippet that we just saw. So, could you please throw some light on that? Uh, not, not as a marketing guru, guru, though I'm going today to give guru! a… Guru! I'm, I'm, I'm a love guru, as Kajol says. <laughs> बट द आइडिया वर्स यू नो हम नॉर्मली एक सिस्टम बन जाता है हमेशा कि एक फिल्म का ट्रेलर आएगा फिर दो गाने आएंगे फिर एक डायलाग ट्रेलर आएगा एक एक्शन ट्रेलर आएगा कॉमेडी ट्रेलर आएगा थर्टी सेकेंड फिफ्टी सेकेंडज एंड दिस इज़ नॉट अ रूल और सम डिज़ाइन या कुछ एक सिस्टम है आई थिंक वी कैन डू इट डिफरेंटली द आइडिया ऑलवेज़ इज़ टू टेल पीपल अबाउट द फिल्म चाहते हैं कि लोगों को फिल्म के बारे में पता चले सो फॉर दिस फिल्म स्पेशली बिकॉज इट कुड अफोर्ड टू कि आखिरी 25 या 20 दिन के अंदर हम सारी ऑडियंस को फिल्म का एक uh, एक ओवरऑल आइडिया दें बट ओवर 15 20 डेज इंस्टेड ऑफ इट बीइंग कि आज हमने ट्रेलर कर दिया और गाना हो गया और ख़त्म हो गया अब आपको जो करना है कर लो पी में आके टिकट ले लो और पिक्चर देख लो सो इट्स इट्स अ प्रोसेस विच विल एंड विद द लास्ट सॉन्ग विच इज़ टुकर टुक्र विच विल कम आउट आई थिंक इन डे टू इफ एम नॉट मिस्टेक बट द आइडिया इज लास्ट 20 डेज बिफोर द फिल्म ऑडियंस शुड बी अवेयर ऑफ basic overview of what the film is going to be like uh, without telling the story or giving away the highlights or the highest points of storytelling in the film. So this is uh, we started with a trailer I think on uh, uh, last month uh, at, at, on a certain date uh, which was viable near Diwali I think. And then we've going on uh, this is the last Stretch where we will put to to Tukutukura, and that's it. And hopefully, people will know what the film is about and uh, be informed and like what the information is, and come and watch the film. Thank and also you. I'd like to take this opportunity to thank PVR for the uh, new logo they've made. I think it's very very cool. The animation. Great. Thank you, members of the media. The floor is now open for Q&A. We have mics, so if you'd like to ask a question, kindly you raise your hands. Uh, Rohit sir, sabse pehle to ट्रेलर है इसके लिए बधाई देता हूँ इस टीम को मजा आ गया खान साहब मेरा आपसे सवाल है कि एक दिलवाला और उसके भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं लव गुरु तो एक टिपिकल दिलवाले के भीतर पूछो क्या पूछ रहे हो तुम खान साहब एक एक दिलवाले के भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए होना चाहिए कि लड़कियां उसको देख कर के लव गुरु यार मैं फिल्म के हिसाब से ही बोल सकता हूँ ऐसे वरना मैं अपने बारे में ऐसा बातें करूँगा तो अजीब लगेगा अपने आप को मैं कुछ लव गुरु समझने लग गया हूँ हमारे फ़िल्म के हिसाब से या कहानी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर जो इंसान एक दूसरे को माफ़ कर सकता है माफ़ी मांग सकता है अगर ग़लती हो जाए रिश्तों में बहुत गलतियाँ होती हैं झगड़े होते हैं कभी कभी टूट भी जाते हैं बंद भी जाते हैं दरार आ जाती है और ये हम टेलीविज़न पर अपने बहुत सारे शोज़ करके आए हों Uh, <laughs> जितने भी डेली सोप्स uh, होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही है ना रिश्तों में तो देख के मैं हैरान ही रह है गया यार so, <laughs> एक तो क्या प्रॉब्लम थी एक लड़की पैसा नहीं खर्च करने देती दूसरा हस्बैंड पैसा ज़्यादा खर्च करता बड़े बड़े अजीब अजीब चीज़ें देख रहा हूँ मैं तो उन सबको भी अगर इकट्ठा कर लो एकत्रित कर लो तो आई थिंक जिस इंसान में uh, uh, माफ़ करने की क्षमता है आई थिंक वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है बाकी तो टीका प्यार करना गाना गाना मोहब्बत करना गिविंग नेचर लविंग नेचर लाइकिंग नेचर वॉम्थ एंड गुडनेस वो सब में होती है कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए लेकिन आई थिंक जो इंसान रिश्ते नातों में एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ सकता है आई थिंक उससे बड़ी क्योंकि ना अगर हम खलल तकलीफ़ दिमाग में रखें तो नेगेटिविटी बहुत हो जाती है कि मेरे को सपोज़ एक्स हैं काजल हैं सपोज़ इनसे मेरा कुछ परेशानी है साल पहले वो जिंदगी भर रहती है तो ऐसा

हमने एक्चुअली uh, 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 जैसे हमने बताया हमने थोड़ा सा वो बेचारों ने मैं एक बार बोलना चाहूँगा हालांकि ये कोई बात ये पर्सनल बात है बट बहुत जगह पर वो uh, हमारी मार्केटिंग और uh, जो पी आर एक्टिविटीज़ हैं वो संभाल रहे हैं लॉट ऑफ प्लेसेस इफ़ काजोल मी गेट्स तक रोहित जो अभी तक एडिट के अंदर हैं सेंसर हो रही है फिल्म सो दो इशूज़ आर गोइंग तो वो बेचारे जो हैं uh, जैसे नहीं होते घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे काम करवाते हैं सब तो हम उन दोनों को भेज कि जल्दी से जाओ ये कर लो तो बेचारों को आज शाम को हमको दुबई जाना था बट uh, uh, दिन में दिन में वो सुबह जाके कुछ काम कर रहे हैं हमारा होल्डिंग टू से वर्किंग टुमारो एक दिन हम साथ में होंगे तो मजाएंगे uh,